इस समय बक्सर झुलस रहा है किसानों का आंदोलन। जब प्रशासन से बर्दाश्त नहीं हुआ तो रात के समय घरों में घुसकर पुलिस ने अपनी बर्बरता का रूप किसानों को दिखाया। जबरदस्ती घरों में घुसकर लाठी चार्ज किया। बच्चों, बूढ़ों, यहां तक कि महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई गई। बदले में गुस्साए किसानों ने चौसा के पावर प्लांट पर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया और किसानों ने पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी। एक दो चार सिपाही हमारे छत पर इस साइड से चढ़े हैं और जा करके और एक दूसरा दरवाजा था उसको लात से मार करके उसकी किली को तोड़ दिए। चोर की भाग और पुनः घर में जाकर इतना तांडव मचाए हैं कि एक हमारे नाती को कहने के बाद उसको बड़ी मार मारे, एक हमारे लड़कियों को मारे, एक जो है गाजीपुर का रहने वाला लड़का था रिश्तेदार का उसको भी पकड़ लिए। और जब हमारी औरतें, हमारी बहू जाकर बीच बचाव करना चाहिए तो उस उन लोगों के ऊपर भी डंडा बरसाए। घर में दूसरे के घर दीवार गली पतली है उसमें से दोनों तरफ से टांग उठाकर चढ़ गए उसके घर में। अच्छा। और दोनों सब परिवार सोए थे और उसके अंदर ढुक कर दरवाजा खोले, बाहर से भी प्रशासन जाकर उसको बुरी तरह से पिटाई की। आस पास जो है पुलिस आई है मुफस्सिल थाना और आ करके यहाँ पर जो है बच्चों, औरतों और महिलाओं के साथ में जो है बहुत अत्याचार किया, मारपीट किया और दो आदमी को या तीन आदमी को लेकर के चला भी गया है। वो कहाँ ले जा करके रखा है किसी को पता नहीं है। जब किसानों पर अत्याचार हुआ तो उनका आंदोलन हिंसक हो गया। बता दें कि बक्सर जिले के बनारपुर में किसानों का ये आंदोलन पिछले दो महीने से चल रहा था। 2010 में SJVN के पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों को उनके मुआवजे का भुगतान भी कर दिया गया था और कंपनी ने 2022 में किसानों की जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद किसान वर्तमान दर के हिसाब से मुआवजे की मांग कर रहे थे। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, हम इसकी जांच करवाते हैं। इसके अलावा हिंसा पर SP मनीष कुमार ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही हालात पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। यहाँ पे और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है, सड़कों पे भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। सर, वज्रवाहन को भी फूंक दिया गया, पता चल रहा है कुछ राउंड गोलियां भी चलाई गई है, क्या इसमें सर? इतनी जानकारी नहीं है, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम कंट्रोल करेंगे। तो ये परिस्थितियाँ कितने दिनों कंट्रोल हो जानी चाहिए? हम लोग शीघ्र कोशिश कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।